Hello everyone, I am Professor N.B. Tate, welcomes you all in the 31st lecture of Industrial AC Machine subject. So my dear students, we have discussed about the load sharing in the last lecture, right? Load sharing and the next point is the synchronous reactance and synchronous impedance. So these two points we have covered in the last lecture, concept of load sharing. So now in today's lecture, we are going to discuss about the factors affecting the terminal voltage of an alternator. So, terminal voltage of an alternator per phase is given by this formula. So, V phase is equal to E phase minus IA in bracket RA plus J into XS, where all quantities are per phase values. Right? So, this is the formula for the terminal voltage of the alternator. Right? You must remember this formula. और ये टर्मिनल वोल्टेज का जो फॉर्मूला है ये आपको ध्यान में रखना है. ये टर्मिनल वोल्टेज जो है अल्टरनेटर का उस पे कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं ये पॉइंट हमें देखना है आज के लेक्चर. तो फर्स्ट फैक्टर होता है लोड करंट, दैट इज आर्मेचर करंट एंड इट्स पावर फैक्टर विच डिपेंड्स ऑन द लोड नेचर. लोड करंट अफेक्ट कर सकता है यहाँ पे, यानी आर्मेचर करंट, लोड करंट यानी आर्मेचर करंट. ठीक है, वो आपके पावर फैक्टर, लोड करंट आपके टर्मिनल वोल्टेज को अफेक्ट कर सकता है. सो इट्स पावर फैक्टर विच डिपेंड्स ऑन द लोड नेचर, और इसका जो पावर फैक्टर है वो डिपेंड होता है वहां की लोड, लोड की नेचर के ऊपर. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है द आर्मेचर रेजिस्टेंस. दूसरा कौन सा फैक्टर है आपका, आर्मेचर रेजिस्टेंस. कुछ हायर वैल्यूज लीड टू द हायर ड्रॉप्स. आर्मेचर रेजिस्टेंस भी आपका टर्मिनल वोल्टेज पे अफेक्ट कर सकता है, और अगर उसके हाइयर वैल्यूज है होते हैं आरए के यानी आर्मेचर रेजिस्टेंस के, तो वहां पे हाइयर ड्रॉप्स हो सकता है एंड लोअर टर्मिनल वोल्टेज. अगर ड्रॉप ज्यादा हो गया तो टर्मिनल वोल्टेज का होगा आपका कम होगा. ठीक है, तो ये है आपका सेकंड फैक्टर. समझ में आया? फर्स्ट फैक्टर क्या बोला मैंने, लोड करंट यानी आर्मेचर करंट. ठीक है, लोड करंट क्यों आर्मेचर करंट हा फॅक्टर टर्मिनल व्होल्टेज वरती अफेक्ट करू शकतो, आणि त्याचा जो पॉवर फॅक्टर आहे तो डिपेंड असतो तिथल्या लोडच्या नेचरवरती. म्हणजे लोड सपोज प्युअरली इंडक्टिव्ह टाईपचा आहे की प्युअरली कॅपॅसिटिव्ह टाईपचा आहे का प्युअरली रजिस्टिव्ह टाईपचा लोड आहे, त्याच्यावरती हा पॉवर फॅक्टर इथला डिपेंड असणार आहे. ठीक आहे, आणि त्यामुळं जर लोड करंट किंवा आर्मेचर करंटचा नक्कीच इफेक्ट कशावरती होणार आहे, आपल्या टर्मिनल व्होल्टेजवर. सेकंड फॅक्टर आहे आपला आर्मेचर रजिस्टन्स. सो आर्मेचर रजिस्टन्स आर ए, आर ए ने डिनोट केलंय आपण, त्याची जर व्हॅल्यू हायर असेल तर तिथं हायर ड्रॉप होणार आहे. म्हणजे इथला आर्मेचर वाइंडिंग मधला ड्रॉप काय आपला आय आर ए, म्हणून तो ड्रॉप जर जास्त झाला तर तिथलं टर्मिनल व्होल्टेज काय होणार आहे, आपलं लोअर होणार आहे, टर्मिनल व्होल्टेज आपलं लोअर होणार आहे. ठीक आहे, हा सेकंड फॅक्टर. थर्ड फॅक्टर आहे द सिंक्रोनस रिएक्टन्स एक्सेस. सिंक्रोनस रिएक्टन्स एक्सेस इथं सिंक्रोनस रिएक्टन्स दाखवलेलं आहे. सो विच कवर द इफेक्ट ऑफ लिकेज रिएक्टन्स अँड आर्मेचर रिएक्शन. हा सिंक्रोनस रिएक्टन्स दोन्ही कव्हर करतो, दोन्हीचे इफेक्ट, म्हणजे लिकेज रिएक्टन्स आणि आर्मेचर रिएक्शनचा इफेक्ट, या दोन्ही कव्हर करतो सिंक्रोनस रिएक्टन्स. सो विच इज केप्ट हायर फॉर द अल्टरनेटर्स, आणि हा हायर ठेवणं गरजेचं आहे अल्टरनेटरसाठी. द टर्मिनल व्होल्टेज फॉल्स ॲज द अल्टरनेटर्स सिंक्रोनस रिएक्टन्स इज इन्क्रीज. अल्टरनेटरचं जे सिंक्रोनस रिएक्टन्स आहे ते जर इन्क्रीज झालं तर तिथला टर्मिनल व्होल्टेज काय होत असतं, फॉल होत असतं. ठीक आहे, अल्टरनेटरचं जे सिंक्रोनस रिएक्टन्स जर इन्क्रीज झाला, म्हणजे याची जर व्हॅल्यू इन्क्रीज झाली तर टर्मिनल व्होल्टेज काय होणार आहे, आपलं फॉल होणार आहे. ठीक आहे, कारण हे इन्व्हर्सली प्रपोर्शनल असणार आहे, याला टर्मिनल व्होल्टेज सिंक्रोनस रिएक्टन्सला इन्व्हर्सली प्रपोर्शनल असणार आहे. क्लिअर आहे, तो ये हो गया थर्ड फैक्टर. फोर्थ फैक्टर है द इंड्यूस्ड ईएमएफ, देन यानी ई फेज. सो विच इज अ फंक्शन ऑफ एक्साइटेशन ऑफ द अल्टरनेटर. ये ई फेज भी फैक्टर आपका टर्मिनल वोल्टेज पे अफेक्ट कर सकता है, क्योंकि ये फंक्शन होता है आपके एक्साइटेशन ऑफ द अल्टरनेटर. जो सप्लाई दे रहे हैं अपन अल्टरनेटर को, उसका ई फेज, ये इंड्यूस ईएमएफ क्या होता है, फंक्शन होता है. सो इंक्रीज इन एक्साइटेशन करंट लीड्स टू इंक्रीज इंड्यूस ईएमएफ. अगर एक्साइटेशन इंक्रीज हो गया, एक्साइटेशन करंट अगर वहां पे इंक्रीज हो गया, तो वहां पे आपका इंड्यूस ईएमएफ भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है, एंड हेंस हायर टर्मिनल वोल्टेज, तो उसकी वजह से वहां पे हायर टर्मिनल वोल्टेज रहेगा
एंड लोअर टर्मिनल वोल्टेज फॉर रिलीज एक्साइटेशन, आणि तिथं वहां पे लोअर टर्मिनल वोल्टेज रहेगा रिड्यूस एक्साइटेशन के लिए, ठीक है समजलं। तर इंड्यूस ईएमएफ हा फंक्शन असणार आहे एक्साइटेशन जे आहे अल्टरनेटरचं त्याचं, ठीक आहे, म्हणजे जो सप्लाय देतोय आपण अल्टरनेटरला ला एक्साइटेशन असं म्हणतो आपण, ठीक आहे, आणि त्याचं फंक्शन हा इंड्यूस ईएमएफ असणार आहे। त्यामुळं तिथं जर एक्साइटेशन करंट जर इन्क्रीज झाला तर त्यामुळे तिथला इंड्यूस ईएमएफ सुद्धा इन्क्रीज होणार आहे आणि हायर टर्मिनल वोल्टेज असणार आहे तिथलं त्यावेळेस। आता लोअर टर्मिनल वोल्टेज असणार आहे रिड्यूस तिथल्या रिड्यूस्ड एक्साइटेशन, ठीक आहे। तर हे चार फॅक्टर टर्मिनल वोल्टेज वरती करतात आपले, कुठले कुठले जे फॉर्म्युल्यामध्ये दाखवलेले तेच आहे, ठीक आहे। कोणते फॅक्टर आहे, पहिलं आहे तर लोड करंट, दुसरा आहे आर्मेचर रेझिस्टन्स, तिसरा आहे सिंक्रोनस रिएक्टन्स आणि चौथा आहे आपलं इंड्यूस ईएमएफ। क्लिअर आहे? नाउ विल सी दी इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रेझिस्टन्स ऑन दी टर्मिनल वोल्टेज ऑफ दी अल्टरनेटर। सो एज द आर्मेचर और स्टेटर वाइंडिंग हैज सम रेजिस्टेंस, हमें मालूम है आर्मेचर या स्टेटर वाइंडिंग को कुछ तो भी रेजिस्टेंस रहेगा आपका आर ए, सो देर विल बी एन आई आर ए ड्रॉप, वहां पे आपका आई आर ए ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है, स्टेटर वाइंडिंग में या फिर आर्मेचर वाइंडिंग में। वेन द करंट आई फ्लो थ्रू द आर्मेचर वाइंडिंग, जब आपका करंट आई फ्लो होता है आर्मेचर वाइंडिंग से, तो आर्मेचर वाइंडिंग को कुछ तो भी रेजिस्टेंस होने की वजह से वहां पे क्या कौन सा ड्रॉप हो जाएगा आपका आई आर ए, ठीक है, व्हाइल सप्लाइंग द लोड बाय द अल्टरनेटर। नाउ अल्टीमेटली द टर्मिनल वोल्टेज डिक्रीजेस, और वहां पे टर्मिनल वोल्टेज क्या हो जाएगा आपका डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ये आई आर ए ड्रॉप हो रहा है आपके स्टेटर वाइंडिंग में या फिर आर्मेचर वाइंडिंग में। क्लियर है? सो एज द लोड करंट आई इंक्रीजेस द टर्मिनल वोल्टेज फर्दर डिक्रीजेस, अगर वहां का लोड करंट आपका इंक्रीज होता है तो टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है आपका फर्दर डिक्रीज होता है, ठीक है समजलं। तर हा आर्मेचर रेझिस्टन्सचा इफेक्ट आहे टर्मिनल व्होल्टेज वरती। काय इफेक्ट सांगितलं आपण, की आर्मेचर वायंडिंगला किंवा स्टेटर वायंडिंगला काहीतरी रेझिस्टन्स असणार आहे, तो आपण आर ए ना डिनोट केलाय। त्यामुळं जेव्हा आर्मेचर वायंडिंग मधून करंट फ्लो होईल आपला आय करंट फ्लो होईल, तेव्हा आर्मेचर वायंडिंग मध्ये आपला आय आर ए ड्रॉप होईल, ठीक आहे, व्हाईल सप्लाइंग द लोड करंट, लोड वाईल सप्लाइंग द लोड बाय द अल्टरनेटर। जेव्हा लोड आपण सप्लाय करतो अल्टरनेटरला, तेव्हा आर्मेचर वाइंडिंग मधून करंट आय फ्लो होईल आपला, आणि त्यामुळे आर्मेचर वाइंडिंगला काहीतरी रेजिस्टन्स असल्यामुळं आर ए एवढा रेजिस्टन्स असल्यामुळं आर्मेचर वाइंडिंग मध्ये आपला आय आर ए ड्रॉप होईल, ठीक, आणि त्यामुळं तिथलं जे टर्मिनल व्होल्टेज आहे ते डिक्रीज होईल या आय आर ए ड्रॉप, आणि त्यामुळं जर लोड करंट जर आपला आय इन्क्रीज झाला तर टर्मिनल व्होल्टेज फर्दर काय होणार आहे आपलं डिक्रीज होणार, समजलं। सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रेजिस्टन्स ऑन द टर्मिनल व्होल्टेज ऑफ द अल्टरनेटर। नाउ विल सी द इफेक्ट ऑफ लीकेज रिएक्टन्स ऑन द टर्मिनल व्होल्टेज ऑफ द अल्टरनेटर। अभी लीकेज रिएक्टन्स का क्या इफेक्ट होता है, देखो व्हेन द करंट फ्लोज थ्रू द आर्मेचर वाइंडिंग, आपका करंट जब आर्मेचर वाइंडिंग से फ्लो होता है देन फ्लक्स इज सेटअप, वहां पे आपका फ्लक्स सेटअप होता है एंड अ पार्ट ऑफ इट डज नॉट क्रॉस द एयर गैप, और उस फ्लक्स का जो पार्ट है वो एयर गैप क्रॉस नहीं कर पाता है, सो विच लिंक्स द कॉइल साइड्स, वो क्या होता है आपका फ्लक्स, वो पार्ट जो है फ्लक्स का वो लिंक होता है वहां की कॉइल साइड्स में, ठीक है। सो द लीकेज फ्लक्स अल्टरनेट्स विद करंट एंड गिव्स द वाइंडिंग सेल्फ इंडक्टेंस, ये जो लीकेज फ्लक्स है वो वहां के करंट को अल्टरनेट करता है एंड वहां पे वाइंडिंग का सेल्फ इंडक्टेंस हमें देता है, सो दिस इज कॉल्ड एज आर्मेचर लीकेज रिएक्टेंस, उसी को हम बोलते हैं आर्मेचर लीकेज रिएक्टेंस। सो देयरफॉर देयर विल बी आई एक्सएल ड्रॉप, अभी ये लीकेज रिएक्टेंस की वजह से कौन सा ड्रॉप होता है अपना आई एक्सएल ड्रॉप होता है, विच इज ऑल्सो इफेक्टिव इन रिड्यूसिंग द टर्मिनल वोल्टेज, वो इफेक्टिव होता है वहां का टर्मिनल वोल्टेज रिड्यूस करने के लिए, ठीक, आई एक्सएल ड्रॉप, समझ में आया, समझलं। तर करंट जेव्हा फ्लो होतो आपल्या आर्मेचर वाइंडिंग मधून तेव्हा तिथं फ्लक्स सेटअप केलं जातं, करंट जेव्हा आपल्या आर्मेचर वाइंडिंग मधून फ्लो होतो तेव्हा तिथं फ्लक्स सेटअप केलं जातं, आणि त्या फ्लक्सचा जो पार्ट आहे तो तिथल्या एअर गॅपला क्रॉस करू नाही शकत, आणि ते फ्लक्स मग काय होतं तिथल्या कॉइल साइडला लिंक होतं, आणि ते लीकेज फ्लक्स तिथल्या करंटला अल्टरनेट करतं, आणि त्यामुळे तिथं वाइंडिंगचं सेल्फ इंडक्टन्स इथं आपल्याला ते लीकेज फ्लक्स देतो,
आणि त्यालाच म्हणतो आपण आर्मेचर लिकेज रिॲक्टर्स. त्यामुळं तर आय एक्स एल ड्रॉप होतो आणि विच इज ऑल्सो इफेक्टिव्ह इन रिड्युसिंग द टर्मिनल वोल्टेज. आय एक्स एल ड्रॉप हा तिथल्या टर्मिनल वोल्टेजला रिड्यूस करण्यामध्ये अतिशय इफेक्टिव्ह असतो. क्लिअर आहे? कारण आय एक्स एल ड्रॉप आपण इथं पण पाहिलं, ठीक आहे, आय एक्स एल म्हणजे आय एक्स एस, ठीक आहे. तर हा इफेक्ट आहे आपला लिकेज रिॲक्टन्सचा टर्मिनल वोल्टेज वरती. क्लिअर आहे? नाउ नेक्स्ट पॉइंट विल सी दॅट इज द इक्वॅलंट सर्किट ऑफ द सिंक्रोनस जनरेटर ऑर अल्टरनेटर. सो दिस इज द इक्वॅलंट सर्किट पर फेज इक्वॅलंट सर्किट. दिस इज द ई फेज, यानी इंड्यूस ईएमएफ पर फेज की वैल्यू रहेगी. एक्स ए आर मीन्स आर्मेचर रिएक्शन का रिएक्टेंस होगा, ये आर्मेचर रिएक्शन. ए आर मीन्स आर्मेचर रिएक्शन एंड एक्स मीन्स रिएक्टेंस. तो आर्मेचर रिएक्शन का रिएक्टेंस अपन एक्स ए आर से डिनोट किया है. एक्स एल इज द लीकेज रिएक्टेंस, आर ए इज द आर्मेचर का रेजिस्टेंस रहेगा, आर आई ए आर्मेचर वाइंडिंग में से जो करंट होगा आई ए, वही आपका लोड करंट के इक्वल में होगा, वही आई एल से इक्वल में होगा. और लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज मेजर करेंगे उसको बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज, इट इज डिनोटेड बाय वी टी. और ये होगा आपका ई डैश पर फेज, ठीक है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिया है, देखो. सो फ्रॉम द प्रीवियस डिस्कशन इट इज क्लियर दैट इन ऑल देयर आर थ्री इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स ऑफ द आर्मेचर वाइंडिंग. ये पूरा डिस्कशन से हमें ये पता चलता है कि आर्मेचर वाइंडिंग को तीन पैरामीटर्स हैं यहाँ पे. फर्स्ट है आपका आर्मेचर रेजिस्टेंस आर ए, दूसरा है आपका लीकेज रिएक्टेंस एक्स एल, एंड थर्ड है आपका आर्मेचर रिएक्शन रिएक्टेंस. यहाँ पे दिया है देखो, आर ए एक्स एल एंड आर्मेचर रिएक्शन रिएक्टेंस, ऐसे तीन पैरामीटर्स है आर्मेचर वाइंडिंग को, ठीक है. सो इफ ई फेज इज इंड्यूस ईएमएफ पर फेज ऑन नो लोड, अगर ई फेज आपका इंड्यूस ईएमएफ रहेगा पर फेज का नो लोड कंडीशन का, देन ऑन लोड कंडीशन इट चेंजेस टू ई डैश. ऑन लोड कंडीशन पे वो क्या होता है आपका, चेंज होता है ई डैश, ठीक है. तो ये ई डैश क्या रहेगा आपका, इंड्यूस ईएमएफ नो लोड कंडीशन का, और ई फेज क्या रहेगा आपका, इंड्यूस ईएमएफ एट ऑन लोड कंडीशन. समझ में? सो ड्यू टू द आर्मेचर रिएक्शन एज शोन इन द इक्विवेलेंट सर्किट. समझ ला? या पूर्ण डिस्कशन वरून आपल्याला इथं असं क्लिअर होतं की आर्मेचर वाइंडिंगला तीन पॅरामीटर्स आहेत. एक म्हणजे आर्मेचर रेजिस्टन्स आर ए आहे, दुसरा म्हणजे आपला लीकेज रिएक्टन्स एक्स एल आहे, आणि तिसरा म्हणजे आपला आर्मेचर रिएक्शन रिएक्टन्स आहे एक्स ए आर. जर आपलं ई फेज हे इंड्यूस ईएमएफ असेल पर फेज व्हॅल्यूचं नो लोड कंडिशनचं, तर ते नंतर चेंज होतं ऑन लोड कंडिशन मध्ये ई डॅशला, कारण आर्मेचर रिएक्शन मुळे, ठीक आहे. हे आपण इक्विवेलेंट सर्किट मध्ये दाखवलेलं. सो ॲज द करंट फ्लोज थ्रू द आर्मेचर, आता तिथं आर्मेचरमधून करंट फ्लो झाल्यामुळे देर आर टू व्होल्टेज ड्रॉप्स अक्रॉस आर ए अँड एक्स एल. आर ए आणि एक्स एलच्या अक्रॉसमध्ये दोन व्होल्टेज ड्रॉप होतील. एक आर एच्या अक्रॉसचा ड्रॉप होईल आपला आय आर ए, आणि एक्स एलच्या अक्रॉस ड्रॉप होईल आपला आय एक्स एल, ठीक आहे. हेन्स फायनली टर्मिनल व्होल्टेज व्ही टी इज लेस दॅन ई डॅश. तो उसकी वजह से आपका यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज ई डैश, यानी आपका जो इंड्यूस ईएमएफ है ऑन लोड कंडीशन पे, उससे लेस रहेगा टर्मिनल वोल्टेज बाय द अमाउंट इक्वल टू द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस आर ए एंड एक्स एल. वो कितने अमाउंट से इक्वल रहेगा, जितना वोल्टेज ड्रॉप वहां पे आर ए एंड एक्स एल के अक्रॉस होगा उतने अमाउंट से वो लेस होगा टर्मिनल वोल्टेज ई डैश से, ठीक है. सो इन प्रैक्टिस द लीकेज रिएक्टेंस एक्स एल एंड द आर्मेचर रिएक्शन रिएक्टेंस एक्स ए आर कंबाइंड टू गेट द सिंक्रोनस रिएक्टेंस एक्स एल. अगर हमने आर्मेचर लीकेज रिएक्टेंस को और आर्मेचर रिएक्शन रिएक्टेंस को अगर कंबाइन किया तो हमें क्या मिलता है वहां का, सिंक्रोनस रिएक्टेंस, ठीक है. तो यहाँ पे ये दोनों को कंबाइन करना है आपको, एक्स एल एंड एक्स ए आर को. अगर ये दोनों को कंबाइन करोगे आप तो वहां पे नहीं मिलेगा आपको सिंक्रोनस रिएक्टेंस, इट इज डिनोटेड बाय एक्स एस. तो यहाँ पे एक ही इंडक्टर दिख जाएगा, ठीक है. ये सिंक्रोनस रिएक्टेंस रहेगा आपका, और ये आर्मेचर वाइंडिंग का रेजिस्टेंस, और ये दोनों का कॉम्बिनेशन यानी आपका जेड एस रहेगा, ठीक है. ये मॉडिफाइड इक्विवेलेंट सर्किट है, इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ द अल्टरनेटर गेट्स मॉडिफाइड एज शोन इन दिस फिगर. समझ में? ये दोनों को कंबाइन करके हमने एक ही यहाँ पे
रिएक्टेंस दिखा है, दैट इज एक्सेस, ये सिंक्रोनस रिएक्टेंस रहेगा, ये किसका कॉम्बिनेशन है, लीकेज रिएक्टेंस एंड वहां के आर्मेचर रिएक्शन रिएक्टेंस। ई फेज आपको तो मालूम ही है, बी फेज आपका इंड्यूस ईएमएफ पर फेज की वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे ये नोटेशन का मीनिंग यहाँ पे दिया है, ई फेज यानी इंड्यूस ईएमएफ पर फेज ऑन नो लोड कंडीशन, वी टी फेज यानी टर्मिनल वोल्टेज पर फेज ऑन लोड कंडीशन, देन आई ए फेज इज द आर्मेचर रेजिस्टेंस पर फेज एंड जेड ए सी दी सिंक्रोनस इंपेडेंस पर फेज। तो यहाँ पे ई फेज का फॉर्मूला क्या ले सकते हैं अपन, वी टी फेज प्लस आई ए इंटू जेड एस, आई ए इंटू जेड एस सभी सभी की फेजर सम देखेंगे आपको। सो ई फेज इज इक्वल टू वी टी फेज प्लस आई ए इंटू जेड एस, क्लियर। सो दिस इज द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ द अल्टरनेटर, क्लियर है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज द वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ एन अल्टरनेटर, वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, ठीक है, उसका डेफिनेशन देखेंगे। सो इट इज डिफाइंड एज द राइज इन वोल्टेज व्हेन फुल लोड इज रिमूव, जब फुल लोड को रिमूव किया जाता है तब जो वहां पे राइज इन वोल्टेज होता है, ठीक है, और फुल लोड रिमूव करके वहां का एक्साइटेशन एंड जो स्पीड है अल्टरनेटिव की वो कांस्टेंट रखनी है आपको, ठीक है। तब जहाँ वहां पे जो राइज इन वोल्टेज होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं वोल्टेज रेगुलेशन, विच इज एक्सप्रेस एज अ परसेंटेज ऑफ रेटेड टर्मिनल वोल्टेज, और वो एक्सप्रेस किया जाता है जो परसेंटेज है रेटेड टर्मिनल वोल्टेज का उसमें वो एक्सप्रेस किया जाता है, उसी को बोलते हैं वोल्टेज रेगुलेशन, ठीक है। या फिर आप उसका डेफिनेशन ऐसे बोल सकते हो, वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ एन अल्टरनेटर इज डिफाइंड एज इट इज द चेंज इन सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड मेजर्ड एज अ परसेंटेज ऑफ फुल लोड वोल्टेज, राइट। तो ये भी डेफिनेशन आप बोल सकते हो। या फिर ये तीसरी डेफिनेशन है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सडन राइज और फॉल इन वोल्टेज। हा रेशियोज तो तिथे सडन राइज किंवा फॉल जे होते वोल्टेज मध्ये त्याचा, जेव्हा आपण लोड हा रिमूव करतो सडनली टू द रेटेड टर्मिनल वोल्टेज, सडन राइज किंवा फॉल जे होतो वोल्टेज मध्ये जेव्हा सडन लोड आपण काय करतो इथं रिमूव्ह करतो, आणि तिथल्या रेटेड टर्मिनल वोल्टेज या दोघांचा जो रेशो आहे त्यावेळेस आपल्याला तिथली स्पीड कॉन्स्टंट ठेवायची आणि एक्साइटेशन सुद्धा अल्टरनेटरचं कॉन्स्टंट ठेवायचं, तर हा जो रेशो आहे त्यालाच म्हणतो आपण वोल्टेज रेग्युलेशन, क्लिअर आहे। रेशो ऑफ सडन राइज ऑर फॉल इन वोल्टेज व्हेन द लोड इज रिमूव्ड सडनली टू द रेटेड टर्मिनल वोल्टेज, या दोघांचा रेशो म्हणजे आपलं असणार आहे वोल्टेज रेग्युलेशन। सो दिस इज द फॉर्म्युला फॉर वोल्टेज रेग्युलेशन, वोल्टेज रेग्युलेशन इज इक्वल टू टर्मिनल वोल्टेज अंडर नो लोड कंडिशन माइनस टर्मिनल वोल्टेज अंडर फुल लोड कंडिशन डिवाइडेड बाय टर्मिनल वोल्टेज अंडर फुल लोड। सो इसका फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं अपन, ई एफ माइनस वी टी डिवाइडेड बाय वी टी इंटू 100। सो वेयर ई एफ इज द नो लोड वोल्टेज, वी टी इज द फुल लोड वोल्टेज, सो एट लैगिंग कंडीशन द पावर फैक्टर ई एफ इज ग्रेटर दैन वी टी, सो द वोल्टेज रेगुलेशन इज पॉजिटिव रहेगा तब, ठीक है, जब ई टी ई एफ की वैल्यू ग्रेटर दैन वी टी रहेगी। और लीडिंग कंडीशन में पावर फैक्टर सपोज आपका लीडिंग रहे तब आपका ई एफ की वैल्यू टर्मिनल वोल्टेज से लेस दैन रहेगी, ई एफ इज लेस दैन वी टी, तो वहां का वोल्टेज रेगुलेशन आपका निगेटिव रहेगा, ठीक है। सो दिस इज द टर्म वोल्टेज रेगुलेशन। नाउ नेक्स्ट पॉइंट दिया है यहाँ पे, सो एज द लोड ऑन द जनरेटर इंक्रीजेस, जो जनरेटर के ऊपर का अगर लोड इंक्रीज हो गया देन द टर्मिनल वोल्टेज ड्रॉप्स, टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है वहां पे ड्रॉप होता है लैगिंग एंड यूनिटी पावर फैक्टर लोड केसेस के लिए, टर्मिनल वोल्टेज वहां का ड्रॉप होता है। अगर जनरेटर का लोड अगर जनरेटर का इंक्रीज हो गया टर्मिनल वोल्टेज का होता है ड्रॉप होता है। सो बट द टर्मिनल वोल्टेज मस्ट बी मेंटेन कॉन्स्टेंट, लेकिन हमें टर्मिनल वोल्टेज को कॉन्स्टेंट मेंटेन करना जरूरी होता है, हेंस द एक्साइटेशन ऑफ द मशीन इज वैरिड, उसकी वजह से जो एक्साइटेशन है मशीन का वो वैरिड किया जाता है और इनपुट पावर जो है जनरेटर की वो वैरी की जाती है, दैट मीन्स ई एफ हैज टू बी एडजस्टेड टू कीप द टर्मिनल वोल्टेज वी टी कॉन्स्टेंट, ई एफ हमें वहां पे एडजस्ट करना होता है ताकि अपना टर्मिनल वोल्टेज वी टी कॉन्स्टेंट रह सके, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ द अल्टरनेटर। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज द फॉलोइंग
फैक्टर्स आर ऑन विच वोल्टेज रेगुलेशन डिपेंड्स। वोल्टेज रेगुलेशन कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड होता है, ये यहाँ पे फैक्टर भी है। पहला है आपका आर्मेचर रेजिस्टेंस पर फेज, ठीक है। तो एज द आर्मेचर रेजिस्टेंस इंक्रीजेस आई आर ए ड्रॉप इंक्रीजेस। आर्मेचर रेजिस्टेंस जर इंक्रीज झाला तर आई आर ए ड्रॉप काय होणार आहे, आपला इंक्रीज होणार आहे, त्यामुळे वोल्टेज रेग्युलेशन आपल्या तिथे पुअर बनणार आहे। दुसरा फॅक्टर आहे आर्मेचर लिकेज रेट फ्लक्स, ठीक है। अगर लीकेज फ्लक्स वहां का मोर है तो लीकेज रिएक्टेंस एक्सएल इंक्रीज होता है वहां का, तो विच इंक्रीजेस आई ए एक्सएल ड्रॉप, तो उसकी वजह से आई ए एक्सएल ड्रॉप इंक्रीज हो जाएगा और उसकी वजह से रेगुलेशन आपका फिर से पुअर बनता है, ठीक है। थर्ड फैक्टर है आपका मैग्नेट्यूड ऑफ लोड करंट। जर लोड करंट इंक्रीज झाला तर आई ए आर ए आणि आई ए एक्सएल ड्रॉप सुद्धा इंक्रीज होणार आहे आणि त्यामुळे आर्मेचर रिएक्शनचा जो इफेक्ट आहे तो सुद्धा इथे इन्क्रीज होणार आणि त्यामुळे टर्मिनल व्होल्टेज जे आहे ते ड्रॉप होणार आहे आणि त्यामुळे सुद्धा रेग्युलेशन काय होईल आपलं पुअर होईल, ठीक आहे। आणि चौथा फॅक्टर आहे लोड पॉवर फॅक्टर, ठीक आहे। सो फॉर द लॅगिंग पॉवर फॅक्टर द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन इज डिमॅग्नेटायझिंग। आपण पाहिलेलं आहे की लॅगिंग पॉवर फॅक्टरसाठी जो आर्मेचर रिएक्शनचा इफेक्ट आहे तो डिमॅग्नेटायझिंग आहे आणि त्यामुळे इथला मेन फ्लक्स आपला रिड्यूस होत असतो कन्सिडरेबली विच कॉजेस दी पुअर रेग्युलेशन, त्यामुळे आपल्याला तिथं पुअर रेग्युलेशन मिळतं। युनिटी पॉवर फॅक्टर साठी जो इफेक्ट आहे आर्मेचर रिएक्शनचा तो क्रॉस मॅग्नेटायझिंग आहे, ऑलरेडी डिस्कस केलेला आहे आपण आपल्या आर्मेचर रिएक्शन मध्ये। सो देअरफॉर दे डिस्टॉर्शन इन द मेन फ्लक्स विल बी रिझल्टेड, त्यामुळे तिथल्या मेन फ्लक्स मध्ये डिस्टॉर्शन होतं आणि त्यामुळे रेग्युलेशन हे कम्पॅरेटिव्हली लेस मिळतं आपल्याला। आणि फॉर लिडिंग पॉवर फॅक्टर साठी आर्मेचर रिएक्शनचा इफेक्ट हा स्ट्रॉंग मॅग्नेटायझिंग असतो, त्यामुळं मेन फ्लक्स हे मोर स्ट्रॉंगर बनतं तिथं आणि त्यामुळे तिथलं टर्मिनल व्होल्टेज ऍक्च्युअली इन्क्रीज होतं आणि विच गिव्ज इन निगेटिव्ह रेग्युलेशन, त्यामुळे तिथं आपल्याला निगेटिव्ह रेग्युलेशन मिळतं, ठीक आहे। सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ लोड पॉवर फॅक्टर ऑन व्होल्टेज रेग्युलेशन, क्लिअर आहे। या चार फॅक्टर वरती आपलं व्होल्टेज रेग्युलेशन डिपेंड असणार आहे। एक म्हणजे आर्मेचर रेजिस्टन्स पर फेज, दुसरा म्हणजे आर्मेचर लिकेज फ्लक्स, तिसरा म्हणजे आपलं मॅग्नेट्यूड ऑफ लोड करंट आणि चौथा म्हणजे आपलं लोड पॉवर फॅक्टर। क्लिअर आहे।